पद्मावती को लेकर संजय लीला भंसाली की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। करणी सेना के विरोध में कई राजनीतिक दल भी शामिल हो चुके हैं। गुरुवार को सेंसर बोर्ड के एक सदस्य ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर फिल्म के कंटेंट पर आपत्ति जताई है। खबरों के मुताबिक सेंसर बोर्ड के सदस्य अर्जुन गुप्ता ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर भंसाली पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की। चिट्ठी में उन्होंने मेकर्स पर रानी की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के कई पूर्व राजघरानों ने भी फिल्म के कंटेंट पर आपत्ति जताई है। हालांकि भंसाली ने वीडियो रिलीज कर पद्मावती पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि फिल्म में पद्मावती और अलाउद्दीन के बीच कोई रोमांटिक सीन नहीं है। आपको बता दें कि करणी सेना, बीजेपी और कांग्रेस जैसे दलों ने भी रिलीज से पहले राजपूत समाज के प्रतिनिधियों को पद्मावती दिखाने की मांग की है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड को चिट्ठी लिखकर पद्मावती के रिलीज को रोकने की मांग की थी। गुरुवार को पद्मावती को लेकर जारी विवाद पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फिल्म उन्होंने नहीं देखी, लिहाजा वो इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। स्मृति ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पद्मावती विवाद पर कहा, मुझे इस संदर्भ में कुछ नहीं बोलना। जिस स्टोरी और कहानी के बारे में जाना नहीं, देखा नहीं और पढ़ा नहीं, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। कुछ समय पहले स्मृति ईरानी ने कहा था कि पद्मावती की रिलीज को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी और सरकार कानून व्यवस्था का ध्यान रखेगी। लेकिन अब गुजरात चुनाव को देखते हुए स्मृति ईरानी ने फिल्म पर यू टर्न ले लिया है। टीम इंडिलिंक्स।